ओके सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल बिग थिंग सीजे। कैसे रहा? आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अपने मोबाइल पे क्लॉक एंड जो डेट वाला आइकॉन है और साथ ही जो गूगल आइकॉन है उसे आप लोग कैसे चेंज कर सकते हो कुछ इस टाइप से लुक पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो डेट एंड टाइम एंड गूगल का जो आइकॉन है पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज कर दिया एंड कुछ न्यू लुक जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप भी अपनी डिवाइस में कुछ इस टाइप से जो लुक है वो अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सा फंडा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ वो दो स्टेप करने के बाद जो है आप अपने होम स्क्रीन के जो क्लॉक है एंड जो गूगल आइकॉन है उसे आप लोग चेंज कर सकते हो। चाहे आपके पास ओप्पो का डिवाइस हो, रियलमी हो, रेडमी हो या फिर सैमसंग हो, सारी डिवाइस पे ये जो है ये अप्लाई कर सकते हो एंड अपने आइकॉन को उसे चेंज कर सकते हो। तो चलिए आज की ये वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हो। उससे पहले आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ शेयर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और हाँ इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। सिंपली यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो मेरे जो होम स्क्रीन पे क्लॉक एंड जो गूगल आइकन है वो दोनों यहाँ पर अभी पूरी तरीके से सिंपल है, जो कि हर डिवाइस में आपको सेम देखने को मिलता है। अब इसे आपको चेंज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली इसे आपको चेंज करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक है KWGT एंड एक है डिसेंट। KWGT से आप लोग गूगल एंड जो क्लॉक आइकॉन है उसके आप लोग लेयर ले सकते हो कि उस जगह पे आपको उसे फिक्स करना है, उसके लिए आप यहाँ पे से लेयर ले सकते हो। एंड जो डिसेंट एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है आइकन्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे यहाँ पे आपको एनिमेटेड आइकन भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि क्लॉक के, गूगल के, काफ़ी सारे ये जो यहाँ पे आपको आइकन्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है वो पेडेड वर्जन है, बट मैं इसका आपको फ्री लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाकर इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सिंपली जो है आपको बैक आना है एंड बैक आने के बाद सबसे पहला काम है ये दोनों को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे से आप लोग इस एप्लीकेशन से आपको कोई काम करना नहीं है। सिंपली होम पे आने के बाद आपको ये जो दोनों आइकन से इसे आपको रिमूव कर देना है एंड रिमूव करने के बाद आप लोग दोनों फिंगरों से स्क्रॉल करना है। तो नीचे में आपको दिख रहा होगा विडगेट का ऑप्शन आ चुका है, उस पर आपको क्लिक करना है एंड देन क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है एंड स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो KWGT का जो लेयर है वो यहाँ पर फाइनली ऐड हो चुका है। तो आपको एक लेयर सेट कर लेना है, एक लेयर पे आपको 2 सेकंड प्रेस करना है एंड उसे होल्ड करके ऊपर पे ले आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको इसे सेट कर लेना है कि कितने साइज की आप लोग जो है वो क्लॉक को रखना चाहते हो। तो इस लेयर को आप लोग जितने रखना चाहते हो वो यहाँ पे सेट कर लेना एंड फिर से यहाँ पे आपको दोबारा स्क्रीन पे स्क्रॉल करना है एंड फिर से आपको विडगेट का ऑप्शन पे जाना है एंड जो गूगल का लेयर है उसे भी यहाँ पर ऐड कर लेना। जैसे इस टाइप से लेयर ऐड किया तो उसे भी सिंपली से इसी टाइप से लेयर को ऐड कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद इसे आप लोगों को सेट कर लेना है कि गूगल के आइकॉन कहाँ पे आपको रखना है एंड कितने साइज पे रखना है वो आप इस लेयर को सेट कर लेना। लेयर सेट करने के बाद सिंपली आपको ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक करने के बाद ये डायरेक्टली आपको डिसेंट के एप्लीकेशन पर भेज देगा, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो है आइकन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जो आइकन आपको अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ पर इसे सेट कर सकते हो। मैं फिलहाल जो क्लॉक का स्टाइलिश आइकॉन है वो मैं यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पर फाइनली आ चुका है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड देन क्लिक करने के बाद ये फाइनली यहाँ पर आ चुका है। ये अभी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है तो आपको लेयर पे क्लिक करना है एंड इसकी जो साइज़ है उसे आपको थोड़ा सा बिग कर देना है। उसके बाद ऊपर पे दिख रहा होगा सेव का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली होम बटन पे क्लिक करना है। तो फाइनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर पे जो क्लॉक का आइकॉन है वो यहाँ पर स्टाइलिश आ चुका है। अब आपको गूगल वाले लेयर पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक करने के बाद ये डायरेक्टली आपको डिसेंट वाले एप्लीकेशन पे डायरेक्टली भेज देगा। यहाँ पे आने के बाद आपको गूगल के काफ़ी सारे न्यू आइकन्स देखने को मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे इसे सेट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल ये सेट करता हूँ एंड फिर से यहाँ पे सेट करने के बाद लेयर पे क्लिक करता हूँ एंड इसे हल्का सा बिग कर देता हूँ। बिग करने के बाद ऊपर पे आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फाइनली जो गूगल का एंड जो क्लॉक का आइकॉन है वो फाइनली यहाँ पर चेंज हो चुका है एंड काफ़ी बेहतरीन से जो लुक है वो आपकी होम स्क्रीन पर यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो आप लोग भी इस तरह से अपने डिवाइस में चेंज कर सकते हो क्लॉक एंड गूगल के आइकन्स को। काफ़ी सारे और भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे न्यू आइकन्स जो कि आप लोग चेंज कर सकते हो। तो ये आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूरत है। आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ शेयर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और हाँ इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।